हेलो, वेलकम टू द चैनल। अभी अपन लोग देवघर में हैं और देवघर से अभी पटना जा रहे हैं। अभी टाइम 4:26 हुआ है, 20 मिनट फास्ट है और जस्ट 1000 का पेट्रोल डलवाए हैं और सीएनजी में 2 पॉइंट घटा हुआ है, तो फिलहाल तो सीएनजी से चल रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग देवघर से पटना जा रहे हैं और देखते हैं रास्ता में क्या क्या रहेगा, दिखाते चलेंगे आप लोग को। कुछ इस तरह से माहौल है, देवघर से निकल चुके हैं, लगभग 20 किलोमीटर देवघर से आ गए हैं और चल रहा है। कुछ इस तरह का लैंडस्केप है, सिंगल रोड है, अनडिवाइडेड। सामने में कुत्ता मरा हुआ था। ये बॉर्डर क्रॉसिंग है। अभी झारखंड से हम लोग बिहार में क्रॉस कर रहे हैं। इलेक्शंस का डेट्स आ चुका है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, चेकिंग वगैरह तो यहाँ पे हो नहीं रहा। पटना 252 किलोमीटर और यहाँ पे प्रशासन की गाड़ी, पहले यहाँ पे नहीं हुआ करती थी बैरिकेटिंग, अब शायद इलेक्शन के अनाउंसमेंट के बाद यहाँ पे लगा दिया। और अब हम लोग बिहार में एंटर कर गए हैं, इलेक्शन का टाइम है, बिहार में एंटर किए हैं, लेकर बैन है तो दारू वगैरह का चेकिंग होगा। आज देखते हैं कहां कहां चेकिंग होता है और इलेक्शन का भी टाइम आ गया है तो शायद बहुत जगह पेपर चेक होने वाला है। तो गाड़ी का पेपर तो है अपने पास, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह सब लेके चले हैं, फ़ोन में तो था ही, पास में भी रख लिए हैं कि कहीं अगर ड्राइविंग लाइसेंस भी चेक करें तो सब कुछ होना चाहिए। लगभग 5:30 हो गया और हम लोग काफ़ी आगे आ गए हैं और देखिए बारिश स्टार्ट हो चुका है। मार्च में बारिश, आगे चेकिंग है, देखते हैं आज रुकता है कि नहीं। बारिश में क्या रोकेगा, पुलिस ही नहीं होगी। सोचे थे कि रोकेगा, आज तो रुक ही नहीं रहा है, आज कोई है ही नहीं, आज तैयार होके आए थे। बारिश तेज हो गई है और हम लोग वैली के रास्ते में आ गए हैं, घाटी आ गया है और बारिश भी है, अंधेरा भी हो गया है, बहुत तेज बारिश हो रही है, मज़ा आ रहा है। तो चैलेंज है चलाने में, ड्राइविंग करने में। बारिश कंटिन्यूस हो रहा है और देखिए सब पेड़ से पत्ता भी गिर रहा है, आंधी तेज चल रहा है, आंधी तूफान बारिश पूरा हवा चल रहा है भाई। आज तो होने वाला है, पटना पहुंचते पहुंचते हालत ख़राब हो जाएगा अगर ऐसा ही मौसम रहा तो, क्योंकि अभी वैली और भी बचा हुआ है। शाम के समय सामने वाला सीन मस्त दिख रहा है, चारों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियाँ, सन है नहीं, धूप कहीं दिख नहीं रहा है, पूरा अंधेरा हो रहा है और मस्त फील आ रहा है। यहाँ पे लग रहा है कि हम लोग बिहार में हैं। जी हाँ, ये झारखंड नहीं है, बिहार पहुँच चुके हैं हम लोग और बिहार में इस तरह का लैंडस्केप है, ज़बरदस्त। बहुत देर से ये वाला ट्रक आगे चल रहा है, काउंट कर रहे हैं कि उस पर कितना पोल वगैरह लटका हुआ है। थोड़ा सा लगता है धूप निकल रहा है कहीं से और वैली का रास्ता अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। चलो भटो भाई, जाने दो, इधर मस्त सीन है, देखिए अकेले जा रहे हैं बाबा। लगता है आज रात भर बारिश होगी क्या। 5:50 हो गया है, अभी तक हम लोग वैली से निकले नहीं हैं, बिहार में ही हैं वैली में अभी तक। पटना पहुंचते पहुंचते आज लगता है 11-12 बज जाएगा, धूप निकलने की कोशिश कर रही है। पीछे वैली में पूरा बारिश हो रहा था और इधर देखिए पूरा सूखा हुआ है,
इधर बारिश का बूंद का एक भी नामो निशान नहीं है, जमीन भीगा हुआ इधर एकदम नहीं है। चाय पीने उतरे थे लेकिन चाय नहीं बन रहा था, तो आगे चलते हैं फिर कहीं और ब्रेक लिया जाएगा, टी ब्रेक स्ट्रेच ब्रेक। इधर कोई बारिश का नामो निशान नहीं, पीछे वैली में बहुत बारिश हुई। अभी शाम की 6:30 हो गया है और देखिए चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया है, पूरा अंधेरा। और एक किसी पुल पे जा रहे हैं हम लोग। शाम का 7:07 हो चुका है, ये घड़ी 20 मिनट फास्ट है, और अभी भी 160 किलोमीटर दूर हैं हम लोग। और कुछ इस तरह से बिहार के रूरल रोड्स पे हम लोग चल रहे हैं, अंधेरा ही अंधेरा है चारों तरफ, आसपास में कुछ नहीं है। लाइट काफ़ी अच्छा है, ब्रेजा का थ्रो काफ़ी अच्छा है। अभी भी 160 किलोमीटर बचा हुआ है और 3 घंटा 27 मिनट यहाँ से है, मतलब कि 10:30-11 बजे पहुँचेंगे आराम से। क्या लाइट है, LXI मॉडल है, इसमें हेलोजन प्रोजेक्टेड वाला है। ये हो गया लो और ये हो गया हाई बीम, लो बीम हाई बीम, लाइट मस्त है। लाइट का टेस्टिंग हो रहा है यहाँ पे अभी, क्योंकि और कुछ है नहीं, अंधेरे में चलाते रहना है 3.5 घंटा। और अभी तक कहीं पे ब्रेक, एक जगह रुके भी थे तो वहाँ भी चाय नहीं मिला, सिर्फ समोसा था, और चाय ब्रेक चाहिए। अरे हटो भाई, कैसे है चाय? 10 रुपया यूनिवर्सल रेट, सब जगह 10 रुपया। यही आपका किचन है? अच्छा, ये स्टोर रूम है, किचन ही। फाइनली हम लोग कहीं पे रुके हैं, कुछ इस तरह का माहौल है यहाँ पे, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, बाईपास। और यहाँ से चाय ले रहे हैं, और ये रही अपनी गाड़ी। अब यहाँ से चाय पीते हैं और निकलते हैं, स्नैक्स वगैरह ले लिया है। गाड़ियाँ इस रोड पे थोड़ी अभी कम आ रही है, 7:30-8 बज गया है, टाइम किधर गया दिख नहीं रहा, 8 बजे के आसपास हो गया है तो गाड़ियाँ कम है। और इधर तो पूरा जंगल नहीं खेत। चलिए चाय पी के आगे निकलते हैं। गाड़ी में बैठ गए, अब अभी भी कितना टाइम बचा है, नेशनल हाईवे 333A है, 50 किलोमीटर, 3.25 घंटा, 150 किलोमीटर और है, 10:50 में पहुंचाएगी। कैसा था चाय? नो रिस्पॉन्स, चाय उतना अच्छा नहीं था। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं आगे और 11 बजे तक पटना पहुँचते हैं, 11 से ज़्यादा बजेगा। अभी तो डिनर भी करना है, तो स्नैक्स और चाय के लिए रुके थे। लगभग 8 बज गया है और हम लोग इसी अंधेरे वाले रास्ते पे चल रहे हैं, चारों तरफ अंधेरा है, इधर भी अंधेरा है। अभी भी 2 घंटा 50 मिनट और लगेगा, ऐसे ही चलते रहना है। अभी 8 बज गया है, 1 घंटे के बाद हम लोग किसी रेस्टोरेंट में रुकेंगे और लंच डिनर किया जाएगा, उसके बाद दूसरा बार ब्रेक किया लिया जाएगा, एक ब्रेक तो हो चुका है। आगे काफ़ी लंबा जाम है लगता है, बहुत देर से 5 मिनट से रुके हैं और इस पर भी रेड रेड दिखा रहा है, लेकिन जितना देर से रेड दिखा रहा है उससे भी काफ़ी लंबा जाम है, और इसमें भी सब ओवरटेक कर रहे हैं। नौ बज गया, अभी भी लगभग 2 आवर्स 6 मिनट ज़्यादा बचा हुआ है, 101 किलोमीटर। और यहाँ पे हम लोग इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप से CNG ले लिए, पूरा फुल हो चुका है। और बरबीघा पहुँच गए, यहाँ से 100 किलोमीटर अभी भी घर है अपना, यही है इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप बरबीघा में। अब हम लोग चलते हैं कहीं पे डिनर करने, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है
उसमें चल के देखा जाए कि कैसा खाना खिलाता है, और उसके बाद यहाँ से खा के निकलते हैं। पनीर चिल्ली है नहीं, डिनर वगैरह हो गया, अब थोड़ा देर बैठा जाए। इसका बचा हुआ है और अपनी गाड़ी इधर बाहर खड़ी है, निकलते हैं कुछ देर में। और ये आ गया पहला टोल NS 33, 50 रुपया लगेगा यहाँ पे। खुलो भाई, अब चलते हैं यहाँ से। यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर और है, अभी 90 किलोमीटर और है यहाँ से। 90 किलोमीटर मतलब 2.5 घंटा, 2 घंटा रोड, क्योंकि अब खाली खाली रहेगा तो 2 घंटा में हम लोग पहुँच जाएंगे। देखिए चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, सन्नाटा ही सन्नाटा। यही बिहार है जहाँ पे पहले लोग रात में निकलते नहीं थे, अब हम लोग आराम से गाड़ी लेके ड्राइव कर रहे हैं, रात रात में ही पूरा चल रहे हैं। जब से बिहार में एंट्री की है अंधेरा ही है लगभग। पहले यहाँ पे लोग रात में चलते नहीं थे, अब तो रूरल रोड में भी, ग्रामीण सड़क में भी चल लेते हैं। हाईवे छोड़िए, ऐसे नेशनल हाईवे है लेकिन 2 लेन ही है, 4 लेन नहीं है। 4 लेन डायरेक्ट बख्तियारपुर के पास मिलेगा। देखिए चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, इधर भी चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। और हम लोग रात्रि को ट्रेवल कर रहे हैं बिहार में बिना किसी डर भय के, लेडीज पैसेंजर के साथ। अभी भी 1.5-2 घंटा है। पूरा सुनसान है, रात के 10:30 बजे है, पूरा सुनसान है, सिंगल रोड है और अपन आराम से चल रहे हैं। ये कोई मार्केट है और ये मार्केट पूरा बंद है, पीछे था। अब कहाँ पहुँचे हम लोग, पटना, 82 किलोमीटर और नेशनल हाईवे 431 पे अभी चल रहे हैं, और पीछे अभी एक पुलिस की पेट्रोलिंग जीप जा रही थी। मतलब रात में पेट्रोलिंग होती है इसलिए सुनसान रास्ते पे भी लोग चल पा रहे हैं। कुछ कुछ गाड़ियाँ चल रही है, बाकी अपन चल रहे हैं, मार्केट पूरा बंद है, ट्रक वगैरह का मूवमेंट है और कुछ कुछ प्राइवेट व्हीकल भी है, कार वगैरह, बाकी तो सन्नाटा ही है। अभी भी 70-80 किलोमीटर बचा हुआ है। इसका हेडलाइट का थ्रो ज़बरदस्त है, बेस मॉडल है ब्रेजा का ये वाला, और इसमें हेलोजन प्रोजेक्टेड लैंप्स है, फिर भी देखिए ज़बरदस्त लाइट्स आ रहा है। लो पे इस तरह का, हाई पे इस तरह का, अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुआ है ब्रेजा के लाइट से। अब हम लोग आ गए हैं जो बख्तियारपुर बिहार शिव वाला रोड जो बन रहा है 4 लेन, उस पे पहुंच गए हैं। अब यहाँ से लगभग 52 किलोमीटर और है अपना घर, 52 किलोमीटर, 1 घंटा और लगेगा, और फाइनली हम लोग बख्तियारपुर पहुंच गए हैं। बख्तियारपुर क्रॉसिंग, यहाँ से लेफ्ट, टर्न लेफ्ट ऑनटू नेशनल हाईवे 31, नेशनल हाईवे 31, यहाँ से 45 मिनट में पटना। बख्तियारपुर के बाद से हम लोग मस्त 80-100 के बीच में के स्पीड में चल रहे हैं, और कुछ इस तरह का रोड है। और ये अपन सेकेंड टॉल के पास आ गए, पटना वाला टॉल। यहाँ पे 135 का कटता है, और पिछला जो टॉल था वहाँ पे 50 रुपया काटा था, यानी कि 185 टोटल टॉल वहाँ से लेके यहाँ तक, देवघर से लेके पटना तक। अब हम लोग पटना पहुँच चुके हैं, टॉल क्रॉस कर लिए, मतलब पटना पहुँच गए। रास्ता काफ़ी मज़ेदार था, रात रात्रि में चले, पूरा जर्नी लगभग रात्रि में हुआ,
और ट्रैफिक का कोई समस्या नहीं था। दिन में रहता तो बहुत ट्रैफिक रहता। लगभग 11:30 बज चुका है, यानी कि 7 घंटा लगा। बीच में लगभग एक से डेढ़ घंटा तो हम लोग ब्रेक लिए थे। 12 जगह सन्नाटा मिला और कहीं पे दिक्कत नहीं हुआ हम लोग को गाड़ी चलाने में, कहीं पे कोई परेशानी नहीं हुआ। यानी बिहार में भी रात में हम लोग आराम से ट्रेवल कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। पटना इंटर कर चुके हैं, लगभग 3-4 किलोमीटर के बाद घर मिल जाए आ जाएगा। फाइनली अपन पटना पहुंच गए हैं और बस घर जाने के लिए रास्ता देख रहे हैं, कौन कहाँ पे जाम नहीं रहेगा, उधर से निकल रहे हैं। फाइनली ये वाला ट्रिप मस्त रहा। पूरी तैयारी के साथ आए थे कि जो बैरिकेडिंग लगा रहेगा, पुलिस वगैरह चेकिंग होगा, तो ऐसा तो कुछ कहीं पे चेक हुआ नहीं। जहाँ पे चेक होता था वहाँ पे बारिश हो रही थी तो चेक किया नहीं, और बाकी काफ़ी स्मूथ था ट्रैवल, कहीं पे जाम नहीं मिला। रात्रि में निकल लिए खाली खाली रोड में। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर जर्नी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टर्न लेफ्ट।